प्राणायाम कर अभी सकते हैं। कपाल भाती कर रहे हैं जी, शायद योगी जी कपाल भाती कर रहे हैं। कपाल भाती जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या अन्य समस्या है, वो लोग कपाल भाती छोटी छोटी टुकड़ों में करते हैं, 20-20 के सेट कर लेंगे, 10 या 30-30 के 5 सेट कर लेंगे, इस तरह से करना है। और ज्यादा एक बार में कोई भी स्वस्थ व्यक्ति कभी 200 से ज्यादा कपाल भाती के स्ट्रोक नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं है। तो। मंगेश जी, एक तस्वीर आ गई है, नितिका हमारी सहयोगी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई है, राजधानी लखनऊ की तस्वीर नितिका हमें दिखाएंगी। जी जी नितिका दिखाइए क्या कहती है आज की तस्वीर। हम भी यहाँ योग कर रहे हैं, आप भी वहां पर कवरेज कर रही हैं, और आपके पीछे हजारों लोग सैकड़ों लोग योग करते दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हम इस वक्त लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हैं, जहां पर छात्रों के साथ ही जो तमाम टीचर्स हैं वो यहां पर योग कर रहे हैं। हमारे ठीक पीछे आप देख पाएंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर आलोक राय भी यहां पर योग कर रहे हैं, क्योंकि 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मौका है। इसको पूरे देश में ही नहीं बल्कि अब तो इंटरनेशनली भी सेलिब्रेट करके मनाया जाता है, तो ऐसे में यहाँ पर बड़ी संख्या में सामूहिक योग किया जा रहा है। ठीक सामने मंच लगा हुआ है जहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो अलग अलग योगासन के बारे में बता रहे हैं, उनके क्या फायदे हैं उनके बारे में बता रहे हैं, और जो टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं वो उनको फॉलो करते हुए, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए यहाँ पर योग कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पद्मश्री प्रोफेसर नवजीवन रस्तोगी भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो लखनऊ विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं, कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, वो यहाँ पर योग अभ्यास करते हुए दिख रहे हैं। और क्योंकि योगा जो है वो अब सिद्ध माना जाता है कई सारे रोगों को दूर करने के लिए, चाहे वो पुरानी से पुरानी बीमारी हो उसको दूर करने के लिए योगा को सिद्ध माना गया है। और जो लोग रोज योगा की प्रैक्टिस करते हैं उनको उनकी हेल्थ में कई सारे फायदे भी देखने को मिले हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 2015 से मनाया जाता है, अब उसको और भी ज्यादा ख्याति मिलने लगी है और लोग योगा को अपनी डेली लाइफ में फॉलो करने लगे हैं। और खास करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में लखनऊ के अलग अलग हिस्सों में आपको इसी तरह की तस्वीरें दिखाई देंगे। जितने भी पार्क्स हैं, जितने भी ऑफिस हैं, सब जगह ही योगा सेशंस ऑर्गेनाइज किए गए हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो हर जगह योग के बारे में लोगों को बता रहे हैं, और आप देख पाएंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग योगा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और इसी तरह से जो तमाम ऑफिस हैं वहाँ पर योगा के लिए सुबह से ही लोग पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही जो योगा के लिए एक्साइटमेंट था वो स्टूडेंट्स में देखने को मिल रहा था, और बड़ी संख्या में आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। और लखनऊ विश्वविद्यालय के परिसर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर ये सामूहिक योग अभ्यास किया जा रहा है। और मंच की तस्वीर भी दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक एक योगासन के बारे में बता रहे हैं, किस तरह से उसको करना है, उसके क्या फायदे हैं, कितनी देर तक करना है, इन सारी ही चीज़ों के बारे में यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं। और लोगों को इससे जानकारी मिल रही है और इसके लिए फिर प्रेरित किया जा रहा है कि लोग योगा को अपनी डेली लाइफ में योगा करते रहे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से योगा अभ्यास हो रहा है, सामूहिक योगाभ्यास में लखनऊ विश्वविद्यालय के न सिर्फ छात्र बल्कि कर्मचारी, शिक्षकगण और सामूहिक कुलपति भी यहाँ पर मौजूद हैं, और योगा यहाँ पर कराया जा रहा है और योगा की सिद्धि को माना गया है। ऐसे में लोगों से आग्रह भी किया जा रहा है कि लोगों को अपनाएं और ज्यादा से ज्यादा योगा करके लोग अपने स्वस्थ जीवन की ओर नितिका, वाकई खूबसूरत तस्वीर है ये आज की, और आपने दिखाया कि यहाँ पर किस तरह से योग किया जा रहा है। राजभवन से सीएम योगी की भी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, स्टूडियो में भी मंगेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ नौसेना के इस जहाज में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी योग किया जा रहा है। किस तरह से ये योग हो रहा है देश भर में, मैं कहूँगी पूरे विश्व में आज जिस तरह से योग मनाया जाता है। फिलहाल आपको हम अपने देश की अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए सूर्य नमस्कार की ये दिखाई दे रहा था जो मैंने अभी देखा, सूर्य नमस्कार की एक आसना, एक मुद्रा यहाँ पर करते हुए नजर आए। नमस्कार का कर रहे हैं, प्रणाम आसन। जी जी जी, और यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं जो योगी जी कर रहे हैं, आप इसको देख पा रहे हैं, ये हमारा जो अभ्यास है ये मुद्रा का अभ्यास है, और इसको बोलते हैं हमारा जो है जो मुद्रा है ज्ञान मुद्रा में बैठे हुए योगी जी। ये कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है, आप देख रहे हैं पहला जो उंगली है ये टच करेगी, और बहुत अच्छा अभ्यास है ये कंसंट्रेशन के लिए। ये लगभग लगभग मुझे लग रहा है कि समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, अब भ्रामरी प्राणायाम करने जा रहे हैं योगी जी। और भ्रामरी प्राणायाम का जो आप लाभ देखते हैं ये मस्तिष्क के लिए बहुत ही लाभप्रद है, भ्रामरी प्राणायाम सबसे एंड में करते हैं जी। हाँ लगभग लगभग, इसके बाद ओम चांट होगा और उसके बाद ये क्लोजअप की तरफ जाएगा,
तो भ्रामरी प्राणायाम का मैं आपको लाभ बताता हूँ। ये जो हमारा पिनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये मास्टर ग्लैंड होता है, ये हार्मोनल सिस्टम बैलेंस करता है और जो माइंड के अंदर ग्रे मैटर होता है जो कंसंट्रेशन के लिए और मेमोरी के लिए जो लाभप्रद होता है, जो उत्तरदायी होता है, उसको बढ़ाता है और हमारा जो ध्यान लगता है, मन जो होता है शांत होता है, मन की क्षमताओं का विकास होता है भ्रामरी प्राणायाम जी। भ्रामरी प्राणायाम के सबसे पहले आप देखेंगे जो आपका थंब है ये कान के अंदर चला जाएगा कि बाहर की चीज आपको दिखाई ना दे और बाकी जो हमारे जो भी हमारे वो हैं आंख नाक मुंह सारा इस तरह से बंद कर लेंगे बहुत आराम से। लंबी गहरी सांस लें तीन बार अभ्यास करेंगे फिर से सांस लेंगे इसमें इसका भ्रामरी नाम इसलिए होता है भ्रमर होता है जो बी होता है भंवरा जिसको बोलते हैं जो फूल के आसपास रहता है वो उसके जैसा आवाज आपको निकालनी होती है लिप लॉक करके ओम चांट उस करने का इंग्लिश में बताएंगे। अगला अभ्यास जो मुझे लगता है योगी जी तैयार हो रहे हैं ओम चांट के लिए ओम चांट के बाद जो चलिए हम लगातार ये तस्वीर भी दर्शकों को दिखाते रहेंगे और हम भी यहाँ पर स्टूडियो में लगातार योग कर रहे हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइएगा, आप भी योगा करते रहिए, स्वस्थ रहिए। योग तन को शक्ति मन को ऊर्जा प्रदान करता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।